देखिए दोस्तों, मैं आज आपको बता देता हूँ रिटेल के अंदर जो सब्जियां बिकती है वो महंगी क्यों है और जो होलसेल में है वो सस्ती क्यों है, इसका कारण क्या होता है। और लोगों को लगता है कि थोक में इतनी सस्ती मिल रही है और व्यापारी महंगी क्यों बेच रहा है खुला, तो उसी का यही कारण है महंगी बेचने का। इस वजह से क्या है भैया, ये महंगी बिकती है सब्जियां और लोगों को ऐसा लगता है कि मंडी के अंदर काफी सस्ती मिल रही है सब्जियां। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे एक और वीडियो में। तो दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ अजमेर रामगढ़ सब्जी मंडी और आज तारीख है 8 अक्टूबर 2024। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सब्जियों का थोक भाव क्या कुछ रहा है और साथ ही साथ आज के वीडियो हम जानेंगे कि जो सब्जियाँ होलसेल रेट रहती है इतनी सस्ती है और खुली कैसे महंगी बिकती है, इसका कारण क्या है बताएंगे आपको। और जो लोग कहते हैं कि मंडी में यह भाव मिल रही है, सस्ती मिल रही है और आप महंगी क्यों देते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है ताकि उनको भी मालूम पड़ सके कि मंडी में सस्ती है और बाहर जो खुली बिकती है वो महंगी क्यों बिकती है, इसका क्या कारण है, कैसे 10 से 20 रुपए का अंतर आ जाता है, तो यही आज के इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो बिना किसी देर के। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बता देता हूँ हाइब्रिड टमाटर का भाव और ये देख सकते हैं हाइब्रिड टमाटर की ये कुछ क्वालिटी रही है। तो जानेंगे आज क्या कुछ माल रहा मंडी के अंदर, कितनी की आवक है और क्या कुछ भाव चला है। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। तो भैया आज टमाटर क्या रेट चला? आज टमाटर भैया सुबह 70 रुपए किलो बाजार खुला, हालांकि बाजार मद्दा है, अभी 65 रुपए किलो दे रहे हैं। 3 गाड़ियां थी आज मेरे पास हाइब्रिड की, एक गाड़ी 50 रुपए 55 रुपए चला है और ये वाला 65 रुपए। देखिए भैया आज का टमाटर का इसका हाइब्रिड का रेट रहा, ये कुछ क्वालिटी रही है। ये कहाँ का हरा भी टमाटर है? ये टमाटर हरा भी है संगमरमर अपना नासिक का हरा, नासिक हरा भी है टमाटर, देख सकते हैं। कितनी गाड़ी रही आज मंडी में? आज मंडी में तो माल ज्यादा, अपने खुद के पास 3 गाड़ी थी आज, अपन एक गाड़ी शिवपुरी वाला माल चलाया अपन ने 50 रुपए 55 रुपए और ये उधर देसी में चलाया, देसी वाला भी 63 रुपए चलाया। देसी वाला देखिए, देसी वाला टमाटर 63 रुपए। मैं एक बार आपको क्वालिटी बता देता हूँ, देखिए देसी वाला टमाटर ये देख सकते हैं, देसी जो टमाटर रहा। अरे क्वालिटी रही है देसी वाले की, 65 रुपए किलो चला है। पिछले टमाटर तुरा ले लो यार। देसी वाला कहाँ का आ रहा? देसी में शिवपुरी भी चल रहा है अभी अपने पास, औरंगाबाद भी आ रहा है, औरंगाबाद में पड़ता नहीं है, महंगा है, और बेंगलोर भी चल रहा है, पर ये आज अपने शिवपुरी मंगाया। मंडी के अंदर आज कहाँ कहाँ का माल रहा टमाटर? बेंगलोर भी आया हुआ, शिवपुरी भी आया हुआ मंडी में, बोले आज कचरा माल ज्यादा आया हुआ है कहने का मतलब, मार्केट मद्दा है तो गाड़ी उतार के रखी, देखो बिकाने माल पड़ा है। 65 रुपए से 70 रुपए के बीच में, 70 रुपए के बीच में जो बेंगलोर चला, बेंगलोर है, बेंगलोर तो 70 से 75 के बीच में। देखिए भैया 65 से 75 रुपए किलो तक का भाव चला है इसके अंदर, ये जो टमाटर की अलग अलग क्वालिटी है जी, वो जो बेंगलोर है वो छोटी क्वालिटी, वो 50 रुपए की वो गाड़ी। देखिए छोटे जो होटल के काम है दिखा सकते हो आप, इस तरह की 50 रुपए किलो चला है। ये देखिए तो जैसी क्वालिटी है उस हिसाब से अलग अलग रहते हैं। तो ये तो आज के टमाटर का भाव रहा। और भैया मिर्ची क्या रेट चली आज? मिर्ची में भी आज बाजार मंदा, ये देखो भैया गाड़ी पूरी की पूरी पैक पड़ी है, पूरी गाड़ी भैया 30 रुपए किलो बाजार खोल के बैठे हम। अच्छा जी, 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो यही मिर्ची कल 40 रुपए किलो बिकी है, 30 रुपए किलो में कोई लेवल नहीं है, लेने वाला नहीं है तो भैया। कुल मिला के आज मार्केट बिल्कुल ठंडा है, मार्केट नवरात्र की वजह से 2-3 दिन से थोड़ा मार्केट में गिरावट आ गई, गिरावट आ गई जी। भैया अभी ये गाड़ी आ रही है कहाँ से आ रही है अपने? ये गाड़ी अपनी हैदराबाद से आई है, दस्टन की गाड़ी आई है, अपने परबतपुरा बाईपास पर खड़ी करवा के क्रॉसिंग मंगाई है, फाटक है हमारे रस्ते में दो, फाटक की वजह से हम नई गाड़ी नहीं मंगा, क्रॉसिंग करवा के मंगाई है उसमें। तो ये जो अपने पास माल आता है बिक्री का आता है या खरीदते हैं? नहीं, अपने पास अल्लाह करम से सारा बिक्री का माल आता है भैया, ईमानदारी का काम है अपने पास, जो बिकता अगले का। कल मिर्ची 40 रुपए की, तेजी भी पार्टी की है, मद्दी भी पार्टी की है, अपने पास ना डालने का ना निकालने का, खुला काम है कहने का मतलब, निस्वार्थ कोई भी माल डाले कोई दिक्कत नहीं, बिक्री का जो भाव बिकेगा अगले का। और इसके अंदर जैसे बिक्री का माल आता है इसमें कोई कमीशन वगैरह? अपना 2% कमीशन करता है, 5 रुपए पल्लेदारी, 2% कमीशन, इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, इनके पास बिक्री का आता है और अगर कोई भाई बिक्री पे डालना चाहता है तो इनसे संपर्क कर सकता है। मैं आपको इनके दुकान का एड्रेस बता देता हूँ, पहले तो ये देख सकते हैं,
ये इनकी दुकान का एड्रेस रहा है और इनके जो रेट है बढ़िया अच्छी रेट में बिकता माल, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए। तो ये अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए 7073224596। अपना नाम और फर्म का नाम? मेरा नाम है अल्लादीन काटार, मेरे फर्म का नाम है एलवी सिद्धाराम गोडोमल आड़तिया। तो देखिए दोस्तों ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर रहा और इनके फर्म का नाम रहा, किसी भी प्रकार की इंक्वायरी से रिलेटेड आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये आज की कुछ सब्जियों की रेट रही। दोस्तों देखिए मैं आज आपको बता देता हूँ भिंडी का भाव, और अभी इन दिनों में क्या है भिंडी में थोड़ी तेजी आई है, भिंडी का भाव थोड़ा तेज हुआ है क्योंकि अब क्या है भिंडी थोड़ी कम हो गई आना, और जो भिंडी आ रही है भिंडी की क्वालिटी भी देखिए अब क्या है थोड़ा दो नंबर होने लग गए क्योंकि भिंडी क्या पकने लग गई है, बड़ी बड़ी आ रही है भिंडी। मैं बता देता हूँ आपको, ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरह की आने लग गई भिंडिया, और इस वजह से क्या है कि माल कम हो गया और रेटे भी अब क्या है थोड़ी भिंडी की बढ़ने लगी है। तो जानते हैं आज क्या कुछ भाव रहा है भिंडी का। नमस्कार सर जी। नमस्कार। तो सर आज क्या भाव चल रहा है भिंडी का? भिंडी 25-30 चल रही है। भिंडी 25-30 रुपए भैया थैली का भाव रहा है, ये देख सकते हैं ये कुछ क्वालिटी रही है। तो वैसे भी भिंडी कहाँ से आके आ रही है? अपने तभी जी इधर से आ रही है, और वैसे अभी जो छोटी भिंडी नजर नहीं आ रही है, बहुत कम कहीं देखने को नहीं है, क्या बात है? एंड है भिंडी का, एंड है बस, बस लास्ट है, लास्ट है। कितने दिन और आएगी? 15-20 दिन और मान लो, बस 15-20 दिन और आएगी। और अब क्या आगे भिंडियां देखिए पकने लगी है, और क्या आगे सर्दी के टाइम में क्या खत्म हो जाती है भिंडी एक तरह से पूरी, अब इसे भिंडी बंद हो जाएगी, इसके बाद फिर कहाँ के आएगी भिंडी? अब भिंडी बाहर की आएगी, बाहर की आएगी, यहाँ की लोकल बंद हो जाएगी, और अब ये नई फसल आ जाएगी गोभी वगैरह ये नहीं चालू हो जाएगी, किसानों ने नहीं लगा देंगे गेहूँ लगा देंगे नई फसल। तो देखिए अब क्या आ गया ये खत्म होने के बाद में जो भिंडी आती है वैसे गुजरात अहमदाबाद साइड की आती है, बढ़िया साइज अच्छी क्वालिटी में आती है, लेकिन महंगी बिकती है वो भिंडी, करीब 100 से 150 रुपए किलो तक बिकती है। तो ये आज की कुछ भिंडी की स्थिति रही है। और पालक का मैं बता देता हूँ, पालक क्या रेट रहा वैसा? पालक 30-35, पालक वैसा 30-35 रुपए किलो चला है, ये देख सकते हैं अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से है, बड़ा पालक है तो 30 है, थोड़ा बढ़िया छोटे में है तो 35 रुपए किलो रेट रही है, ये देख सकते हैं ये कुछ पालक की क्वालिटी रही है। पालक अभी कितना क्या आ रहा है वैसा मंडी में? पालक लोकली आ रहा है, आ रहा है, आवक कितनी पोर्ट की आवक? एक दो गाड़ी है, मतलब 200-250 कोट के आसपास आज पालक रहा है मंडी में, तो ये देख सकते हैं पालक की स्थिति रही है। ठीक है दोस्तों और बताएंगे आपको। दोस्तों आज आपको बता देता हूँ, देखिए फूल गोभी का भाव, फूल गोभी की आप क्वालिटी देख सकते हैं, ये कुछ क्वालिटी रही है फूल गोभी में, देख लीजिए कैरेट वाला माल आ रहा है, इधर थैली वाला माल है, लौकी देख सकते हैं। तो बताते हैं आज क्या क्या भाव रहा है इनका। नमस्कार भैया। नमस्ते सर। तो भैया आज लौकी क्या रेट चल रही है? सर 15 रुपए, 12 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए किलो का भाव रहा है लौकी का, ये देख सकते हैं। और वैसे अब लौकी अभी आ रही आ कहाँ की गई है? लोकल आसपास गाँव की आ रही, लोकल ही चल रही है, और इसके अलावा बाहर की लौकी? बाहर की भी बस 10-12 में, 12 में 10-12। और बाहर की जो लौकी आ रही है अभी कहाँ की आ रही है? बाहर से गुजरात साइड से आती है, तो गुजरात साइड से आ रही है अभी, देखिए गुजरात वाली आ रही है, और इसके अलावा लौकी यहाँ लोकल भी है, और ये कुछ कंडीशन रही है लोकल लौकी है, और जो गुजरात वाला माल आ रहा है भी बढ़िया आ रहा है, गुजरात वाले माल में भी अच्छी है, और ये लौकी देख सकते हैं। और वैसे फूल गोभी क्या रेट चली? फूल गोभी सर अलग अलग जैसा माल ऐसा भाव है, जैसे अपना कैरेट वाला क्या रेट वाला बिका अपने 55 रुपए किलो? देखिए भैया कैरेट वाला जो माल है बढ़िया माल, पहले वाली बिकी 50-45, ये देख सकते हैं थैली वाला माल 50-45 रुपए किलो है। तो ये लोकल ही चल रही है अभी सारी बोल रहे? हाँ ये लोकल चल रही है, लोकल चल रही है अभी। एक केट का तोल आता है 14 किलो 15 किलो। तो केडिट कितने का पड़ जाता है वैसे पूरा कंप्लीट? केडिट पड़ रहा 1000 रुपए के आसपास, 1000 रुपए के आसपास केडिट पड़ जाता है, ये देख लीजिए। मंडी में कितनी आवक रही है? अभी माल कम आ रहा है, बरसात फसल खराब हो गई ना, तो माल अभी कम आ रहा है, कमी रहा, और इस वजह से क्या थोड़ी सी रेट तेज है। तो यह फुल सब्जी आ जाएगी, और इधर देखिए देसी बैंगन का मैं बता देता हूँ आपको, देसी बैंगन है ये कुछ क्वालिटी देख सकते हैं देसी बैंगन में, तो इसका बता देता हूँ आपको भाव। तो बैंगन का भाव रहा भैया? 30-35 बिके बैंगन, 30-35 रुपए किलो देखिए भैया बैंगन रहा, और अभी थोड़ी क्या बैंगनों में रेटों में कमी आई है क्योंकि अभी क्या बैंगन काफी अच्छा आने लगे मंडी में इस वजह से। तो ये बैंगन का आज का भाव चला, और चोला फली देख सकते हैं, ग्रीन चोला फली आ रही है, ये ग्रीन चोला फली का रेट चली?
सारी ये 35-40 रुपए की गुजरी, 35-40 रुपए किलो भैया। थैली का भाव रहा, थोक का भाव ये देख सकते हैं, तो ये कुछ रेट रही है। और ये देख सकते हैं ये खुली बेच रहे भाई साहब, तो इनसे बात करते हुए बताते हैं। हाँ नमस्कार। नमस्कार जी साहब, होलसेल निकला है इसका 55 से 60 रुपए किलो। हाँ। कैरेट का भाव है 55 से 60 रुपए किलो, इसमें 8 दिन लगती है साहब, 7%, तो ये पड़ जाती है कम से कम 60-65 रुपए किलो हमारा। 60-65 पड़ जाती है। तो अभी इसको हम 70-80 रुपए किलो खुली चला रहे हैं। तो देखिए 70-80 रुपए किलो बिकती है, और इसका कारण यह है जैसे अभी इन्होंने कैरेट लिया, तो कैरेट के अंदर देखिए माल नीचे किस तरह का निकलता है। देखिए हल्का माल भी इसमें, ये देखिए 3 किलो ये सब कचरा भरा हुआ इसमें, देखो ये देखिए देखो। तो इस वजह से क्या है कि ये जो 50-55 वाली गोभी है जो 70-80 रुपए किलो तो खुली बिकती है, इसका कारण यही है। ये देखो सर, ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह की क्वालिटी निकलती है। तो एक सर मान लिया भी दिख रहे हैं इसमें। हाँ, ये देख सकते हैं। इस वजह से क्या है कि इसकी क्या रेटें थोड़ी तेज हो जाती है, क्योंकि बढ़िया माल होता है जो बिकता है, बाकी उसके बाद में जो इस तरह का माल बिकता है जो लास्ट में बचता है वो क्या रेट बिकता है 30-40 रुपए कुछ भी नहीं मिलता है। ये है कि भाई यहाँ ग्राहकी कर रहे हैं, दूसरे माल में कमाएंगे, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। तो इस वजह से क्या है कि थोड़ा रेटें तेज हो जाती है, और लोगों को लगता है कि थोक में इतनी सस्ती मिल रही है और व्यापारी महंगी क्यों बेच रहा खुला, तो उसी का यही कारण है महंगी बेचने का, कि जो खुली बस्ती है तो उसके अंदर क्या है कि माल काफी ज्यादा खराब भी निकलता है तो बढ़िया भी निकलता है, ऐसे बढ़िया कम ही निकलता है, ज्यादातर क्या है कि माल नीचे होता है, दो नंबर ही होता है। किसान क्या है कि मिक्स में माल भरता है। हाँ किसान आजकल थोड़ा क्योंकि भाव पूरा नहीं मिलता तो वो भी क्या ये करते हैं सर, वो भी क्या करे, खेती बड़ी में खराब भी निकलता है माल, तो उसी में डाल लाते हैं, उसी में डाल लाते हैं। तो इस वजह से क्या है थोड़ा खुला महंगे बिकते। और भैया टिंडे क्या भाव है साहब? आज मैं लेके आया हूँ 60 रुपए किलो होलसेल में। अच्छा 60 रुपए किलो, ये तो मेरे को पड़ गए 65 रुपए किलो। इसमें देखो आप, ये देखो अब ये बाद में मेरे पास 20 रुपए किलो बिकेंगे, ये 20 रुपए किलो बिकेंगे इस तरह के। अभी खुले 80 बेच रहा हूँ मैं, ये 20 रुपए किलो 30 रुपए किलो बिकते हैं खुले। तो इसमें कैरेट में कितना किलो का पैकिंग आती है? 15 किलो भी आ जाता है कैरेट में, 20 किलो भी आ जाता है। अच्छा, और इसमें बढ़िया माल कितना किलो निकलता है? बढ़िया माल मान लो जैसे 20 किलो, 10 किलो खराब हल्का माल और 10 किलो भारी। 10 किलो फिर वो वैसे निकलता है, क्या माल थोड़ा कम ही निकलता है बढ़िया, बाकी ज्यादातर क्या है थोड़ा माल है ना, ये भाव बढ़ा के देना पड़ता है, और क्वालिटी इस तरह की निकल जाती है। देखिए ये टिंडा देख सकते हैं पका हुआ है, और लास्ट में क्या है इसमें ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। जैसे ये बढ़िया है अभी आपके सामने, ये देखो, ये देखिए इस तरह का कम ही निकलता माल। अगर पूरा इस तरह से निकल जाए तो ठीक रहता है, ठीक रहता है, नहीं तो फिर क्या है महंगा बिकता। तो इस वजह से क्या है भैया ये महंगी बिकती है सब्जियां, और लोगों को ऐसा लगता है कि मंडी के अंदर काफी सस्ती मिल रही है सब्जियां, इसीलिए देते हैं क्योंकि उसके अंदर बढ़िया और खराब दोनों मिक्स होता है माल, और लास्ट में जो माल बचता है इस तरह का बहुत कम रेट में बिकता, और कई बार तो बिकता भी नहीं, झगड़ा पड़ता है गायों को देना पड़ता है, इसी वजह से ये महंगी होती है। और आज भिंडी का रेट चली भैया? भिंडी अभी वापस चीज हो गई, होलसेल चल रहा 40-45 रुपए किलो का भाव। अच्छा, और खुला क्या भाव बेच रहे हो? खुला 50-60 रुपए किलो अभी, खुला देखिए 50-60 रुपए बेच रहे हैं, और इनके पास अभी भिंडी खत्म हो चुकी है। और भिंडी में भी यही समस्या है कि भैया देखिए जब थैली लेते हैं तो वो क्या 40 रुपए भी पड़ जाती है, लेकिन जब खोलता है तो उसके अंदर क्या डैमेज माल भी निकलता है, बड़ी साइज में निकलती है, तो इस वजह से क्या 50-60 रुपए किलो बेची जाती है, और उसके अंदर भी क्या कुछ ज्यादा मुनाफा नहीं मिल पाता। तो ये कुछ सब्जियों की रेट रही है, और ये कुछ आज की स्थिति रही है गोभी और टिंडे और भिंडी की, ये देख सकते हैं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। दोस्तों देखिए आज मैं आपको बता देता हूँ बैंगन का भाव, और ये देख सकते हैं कुछ बैंगन की क्वालिटी। बैंगन भैया भरते वाले बैंगन है, बैंगनी कलर के अंदर, और एक ये देख सकते हैं एक ये बैंगन रहा जो ब्लैक कलर के अंदर है, ये कुछ इसकी क्वालिटी रही है, देख लीजिए। तो बताते हैं आज आपको भाव क्या कुछ भाव रहा और कितनी क्या आवक रही है बैंगनों की मंडी में, जानेंगे। नमस्कार भैया। तो भैया आज ये बताइए सबसे पहले बैंगन कहाँ के रहे? ये बैंगन कहाँ के? ये देखिए भैया गुजरात का आ रहा जो माल आ रहा है अभी बैंगन में, देख सकते हैं ये। और क्या रेट चली आज इसकी? इसकी भैया 15-20। 15-20 कितनी गाड़ी रही है इसमें? गाड़ी देखिए डिमांड कम है इसकी, डिमांड कम है। ये थोड़ा बैंगनी कलर वाला बैंगन थोड़ा कम ही चलता है, कम चलता है। तो कितनी गाड़ी है इसकी? इसकी आधी गाड़ी है, आधी गाड़ी आई है। और जो काले वाले बैंगन है इधर, ये भी 25 रुपए ये देखिए भैया 25 रुपए किलो चल रहे हैं। और ये जो वाले बैंगन होते हैं ना काले वाले भरते वाले बैंगन, इनकी क्या ज्यादा डिमांड रहती है? और ये देख सकते हैं ये कुछ क्वालिटी रही है। ये जो काले वाले कहाँ के?
ये भी गुजरात के। अच्छा गुजरात के आ रहे हैं, तो देखिए गुजरात का रहा माल भैया दोनों बैंगन देख सकते हैं। और ये चला आज की इनकी रेट 15 और 25 रुपए किलो रेट रही है बैंगनों की, देख सकते हैं। फूल गोभी मैं आपको बता देता हूँ, फूल गोभी देख सकते हैं, फूल गोभी 2 नंबर माल है, देख लीजिए। तो इसका भी बता देते क्या कुछ रेट रहा। यार फूल गोभी क्या रेट चली है वाली भैया? फूल गोभी 20 रुपए किलो है या 30 रुपए किलो है? ये देख सकते हैं 20 रुपए किलो है, 2 नंबर माल है, और इसमें थोड़ा ठीक बढ़िया है 30 रुपए किलो है, और इससे भी जो बढ़िया है 50-60 रुपए तक बिका है माल। तो ये कुछ फूल गोभी के रेटे रही है, देख सकते हैं आप। और तोरई का भाव बता देता हूँ मैं आपको। हाँ बैंगन कितना चाहिए? ये देख सकते हैं भैया तोरई बढ़िया क्वालिटी के अंदर, और इसका रेट बता देता हूँ आपको क्या कुछ रेट चला। भैया भैया तोरई क्या रेट चलिए आज? तोरई 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो भैया तोरई का रेट रहा आज। तो ये कुछ सब्जियों के भाव थे आज के। और ये देखिए बैंगन, अभी बैंगन काफी आ रहे हैं। ये बैंगन क्या रेट चला आज? भैया काटे वाले बैंगन 30 से लेके 35 की बजाय निकली है। देखिए 30 से 35 रुपए किलो चला है, देसी लोकल माल है, देसी और लोकल माल आ रहा है इधर अपने केसरपुरा सोलमपुर साइड का रहा है बैंगन। तो ये देख सकते हैं आज कुछ बैंगन का भाव था दोस्तों। ये देख सकते हैं आज खीरा की कुछ क्वालिटी, और जो खीरा आज आ रही है अभी कुचामन साइड की आ रही है, देख लीजिए बता देता हूँ मैं आपको। ये देख सकते हैं ये कुछ खीरा की क्वालिटी रही है। तो जो आज खीरा का भाव चला भैया 35 से 40 रुपए किलो का भाव रहा है, और अभी क्या है कि खीरा में थोड़ी रेटे तेज हुई है, क्योंकि क्या है माल थोड़ा कम आ रहा है इस वजह से। और ये देख सकते हैं ये कुछ क्वालिटी रही है, और ये देख लीजिए ये कुछ इस तरह का जो माल रहा है वो 35 रुपए किलो बिका है, बढ़िया के अंदर है जो 40 रुपए चला है, ये देख सकते हैं। तो ये आज की कुछ खीरा की रेट रही है, ये देख लीजिए। देखिए दोस्तों मैं आज आपको बता देता हूँ रिटेल के अंदर जो सब्जियां बिकती है वो महंगी क्यों है, और जो होलसेल में है वो सस्ती क्यों है, इसका कारण क्या होता है। तो ये देख सकते हैं सबसे पहले तो इधर खीरा देख लीजिए, ये टमाटर है, हाइब्रिड मिर्ची है, तो इनका सबसे पहले तो होलसेल रेट जानेंगे थोक का क्या भाव रहा, और उसके बाद में फिर देखेंगे कि रिटेल भाव में क्या बिक रही है। तो चलिए बात करते हैं इनसे। खीरे 30 रुपए होलसेल जा रहे हैं। अरे भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। तो भाई साहब ये बताइए खीरे का आज थोक का भाव क्या रहा? ये 30 रुपए खीरा होलसेल है। तो देखिए भैया 30 रुपए किलो होलसेल रेट रहा खीरे का, और अभी क्या भाव बेच रहे हो आप? 40 रुपए खुला चल रहा है। 40 रुपए किलो खुला बेच रहे, तो देखिए 10 रुपए का डिफरेंस है। तो भैया 40 रुपए मतलब 30 रुपए में लिया 40 रुपए में बेच रहे, इसका कारण क्या? इतना क्या रहा है कि 2 रुपए किलो आ रहे थे, 2 रुपए किलो खोट है, 35 रुपए घर में पड़ जाता, 35 रुपए घर में पड़ जाता। और उसके बाद में क्या देखिए दोस्तों इसके अंदर खीरा में कुछ इस तरह की डैमेज माल भी निकलता है, ये देख सकते हैं। तो इस वजह से क्या है कि थोड़ा महंगा बैठना पड़ता है, तो लास्ट में ये माल बचता है, ये क्या भाव बिकता है? 20 रुपए उड़ा देते, 20-25 रुपए उड़ा। ये देखिए इस तरह का माल जो लास्ट में बचता है 20-25 रुपए किलो में बेचना पड़ता है, मतलब जो खरीद रेट है उससे भी ज्यादा कम रेट में बेचना पड़ता है, क्योंकि क्या है कि ये जो माल है 2 नंबर डैमेज माल है, हर कोई लेता नहीं है। तो इस वजह से क्या है कि खुला जो रेट होता है थोड़ा तेज चलता है, और जो होलसेल रेट आता है थोड़ा कम पड़ता है। और इधर देख लीजिए टमाटर, अरे टमाटर क्या भाव रहा हाइब्रिड आज? 65 रुपए किलो है। 65 रुपए किलो भैया कैरेट का रेट चला टमाटर का हाइब्रिड, ये देख सकते हैं कुछ क्वालिटी रही है। और अभी खुला क्या भाव बेच रहे हैं? 80 रुपए किलो खुला। 80 रुपए किलो देखिए 80 रुपए किलो भैया बिक रहा है, कारण है 10 रुपए इसमें खोट है। कितने कितने खोट निकली इसमें? 10 के 5 रुपए आड़त, 5 रुपए खोट, 5 रुपए आड़त और 5 रुपए खोट निकली है भैया इसमें। तो इसमें कितना मतलब माल डैमेज कितना किलो निकला होगा? इसमें 2 किलो डैमेज निकल, 2 किलो देखिए खराब निकला है, और ये फेंक दिया हमने, ये देखिए इस तरह निकल जाता है। तो ये 65 वाला क्या भाव पड़ जाता है? 75 रुपए पड़ जाता है, और 80 रुपए किलो भाई साहब ये बेच रहे हैं। तो ये इस वजह से क्या थोड़ा महंगा बिकता है। और भाई साहब अदरक क्या रेट चल रही है आज? अदरक है 45 रुपए होलसेल। देखिए भाई साहब 45 रुपए किलो अदरक का भाव रहा है, ये देख सकते हैं कुछ अदरक की क्वालिटी है। थोक का भाव 45 है, और खुला क्या भाव? 60 रुपए किलो खुला भाई साहब, देखिए 60 रुपए किलो बेच रहे हैं, 15 रुपए किलो के ऊपर। 5 रुपए आड़त, 5 रुपए खोट है, 5 रुपए आड़त और 5 रुपए खोट। तो इस वजह से क्या है कि ये 45 वाली 55 रुपए किलो के पड़ जाती है, और फिर उसके बाद में क्या थैलिया वगैरह और मजदूरी वगैरह सब मिला मिलू के कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये भाव है 60 रुपए किलो होलसेल रेट रहा मंडी का। तो ये कुछ सब्जियों का भाव रहा,
और यह कारण थोक में जो खरीदते हैं वो पड़ती है सस्ती, और जो बेचते हैं रिटेल में खुली तो वो क्या है कि थोड़ा महंगा पड़ जाता है। कारण है कि उसके अंदर क्या है कि थोड़ा माल भी खराब निकल जाता है, तो इस वजह से।